प्रदेश की पहली स्मार्ट सिटी की सुविधाओं को आंकलन शहरवासी कर रहे हैं। स्मार्ट सिटी धर्मशाला को सिटीजन परसेप्शन सर्वे में मिला टारगेट पूरा कर लिया गया है, जबकि स्मार्ट सिटी प्रबंधन ने शहरवासियों में सर्वे में अपनी भागीदारी को 500% करने का आह्वान किया है। स्मार्ट सिटी धर्मशाला में MD व CEO प्रदीप ठाकुर ने प्रेस वार्ता में कहा कि स्मार्ट सिटी को सिटीजन परसेप्शन में 327 की भागीदारी का टारगेट मिला था, जिसे 110% पूरा कर लिया गया है, जिसके तहत 360 लोगों ने सर्वे में भागीदारी सुनिश्चित की है। प्रदेश की पहली स्मार्ट सिटी की सुविधाओं का आंकलन शहरवासी कर रहे हैं। स्मार्ट सिटी धर्मशाला को सिटीजन परसेप्शन सर्वे में मिला टारगेट पूरा कर लिया गया है, जबकि स्मार्ट सिटी प्रबंधन ने शहरवासियों से सर्वे में अपनी भागीदारी को 500% करने का आह्वान किया है। स्मार्ट सिटी धर्मशाला के MD एवं CEO प्रदीप ठाकुर ने प्रेस वार्ता में कहा कि स्मार्ट सिटी को सिटीजन परसेप्शन में 327 की भागीदारी का टारगेट मिला था, जिसे 110% पूरा कर लिया गया है, जिसके तहत 360 लोगों ने सर्वे में भागीदारी सुनिश्चित की है। उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि ये भागीदारी 400 से 500% पहुंचे। इसके लिए हर संभव प्रयास किए जाएंगे, क्योंकि अभी हमारे पास 12 दिन हैं। यह सर्वे केंद्र सरकार के आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय द्वारा देश भर की 100 स्मार्ट सिटी में शुरू किया गया है, जिसके तहत QR कोड के माध्यम से शहरवासी के स्मार्टफोन में एक लिंक आएगा, जिसमें 24 सवाल शहर में दी जा रही सुविधाओं के बारे में पूछे जाएंगे। स्मार्ट सिटी प्रशासन की माने तो स्पेशल सर्वे के आधार पर शहर की आगामी प्लानिंग की जाएगी। जो कमियां होंगी उन्हें दूर करने और उपलब्ध सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए कार्य किया जाएगा। स्मार्ट सिटी धर्मशाला के MD एवं CEO प्रदीप ठाकुर ने कहा कि सिटीजन परसेप्शन सर्वे में 327 का टारगेट मिला था, जिसमें 360 लोगों ने हिस्सा लिया। हमारा प्रयास है कि इस सर्वे में लोगों की भागीदारी को 400-500% तक पहुंचाया जाए। हालांकि हमें जनसंख्या के हिसाब से टारगेट नहीं मिला है, लेकिन फिर भी हम इसमें और बेहतर करना चाहेंगे। जैसा आज आप लोगों के साथ मेरी चर्चा हुई है, धर्मशाला स्मार्ट सिटी अन्य स्मार्ट सिटी की तरह ही ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स जो सिटीजन परसेप्शन सर्वे 2019 चला हुआ है, ये सर्वे 1 फरवरी से लेके 29 फरवरी के बीच में सिटीजन्स का जो उनकी अपनी स्मार्ट सिटी के प्रति जो विचार है उसको कैप्चर करने का एक सर्वे चल रहा है। और इस सर्वे का क्या प्रारूप है वो सारा आप लोगों के साथ हमने डिस्कस किया था। तो जो अभी तक का चरण हुआ है, मतलब 17 फरवरी तक का, तो धर्मशाला स्मार्ट सिटी का जो यहाँ का एरिया और जो पॉपुलेशन के हिसाब से हमें 327 कम से कम सिटीजन परसेप्शन रिकॉर्ड करने का एक टारगेट मिला हुआ है। तो अगर आज का फिगर हम देखें तो हम 360 नागरिकों ने इसमें प्रतिभागिता या पार्टिसिपेशन कर लिया है, जो एक अच्छा फिगर है। लेकिन जैसे मैंने आपसे कहा कि अगर हम पैन इंडिया देखें तो बहुत सारे स्मार्ट सिटीज़ में सिटीजन की जो पार्टिसिपेशन है वो बहुत ही एक्सीलेंट जिसको बोल सकते हैं कि 300 से 400% का जो फिगर उनमें आ रहा है। तो मेरी जैसे आपके माध्यम से आज फिर एक रिक्वेस्ट है धर्मशाला के नागरिकों से कि वो इस अभियान में बढ़ चढ़ के हिस्सेदारी करें और हम जो अपना टारगेट ले चलने की 29 तक कम से कम 1400 तक का टारगेट नागरिकों का इसमें भागीदारी हो, ताकि हम इसको 400% तक ले जाएं। क्योंकि हमारा शहर एक शिक्षित लोगों का शहर है, तो हमारे बारे में अपेक्षाएं भी ये हैं, क्योंकि टारगेट हमें पॉपुलेशन के हिसाब से भले ही कम मिला है, लेकिन उसको 400-500% तक ले जाना ये हम सब लोगों का एक जिम्मेवारी भी है सभी नागरिकों को। और आपके माध्यम से मेरी सबसे ये गुजारिश, सबसे ये रिक्वेस्ट है सभी नागरिकों के कि इसके प्रति आप अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें और 29 तक फरवरी तक चलने वाले इस अभियान में जरूर पार्टिसिपेट करें। सभी नागरिकों का मेरा मतलब कि बुजुर्ग, सभी एज ग्रुप के लोग, जिसमें स्टूडेंट हैं, व्यापारी वर्ग है, होटलियर्स हैं और जितने भी यहाँ के स्टेक होल्डर्स हैं, सिविल सोसाइटी के लोग हैं, सभी इसमें पार्टिसिपेट करें, ताकि ये अच्छा रिप्रेजेंटेटिव और एक वाइडर डाटा कैप्चरिंग का एक टूल बन सके। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, आइए मिलते हैं ब्रेक के बाद।